नमस्कार किसान भाइयों, बाजार रिपोर्ट चैनल पर मैं हेमंत यादव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। लहसुन ब्लॉक में हैं और आज हमें तोताराम भाई के पास क्या बाजार देखने को मिला है, लहसुन में कितनी आवक देखने को मिल रही है, सभी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से शेयर करेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए जान लेते हैं आज का ताज़ा अपडेट। कैसे हो सर? बढ़िया है यादव जी, आप सुनाओ। बस बढ़िया बढ़िया सर। तो सर जयपुर मोहाना मंडी में लहसुन का क्या मार्केट खुला है? मार्केट कल से भी 10 रुपये टाइट खुले हैं यहाँ पे। टाइट है जी। ऊपर में क्या बिका है सर? ऊपर में देसी माल 250 रुपये मान के चले, ऊटी 280 से 300 रुपये। 280 से 300 रुपये हो गया है ऊटी। तो ऊटी लहसुन तो देखने को बहुत कम मिल रहा है। ऊटी माल बहुत कम आ रहे हैं, पीछे अच्छी पकड़े उनकी। अच्छा जी, अच्छा। तो यहाँ डिमांड भी कम है ऊटी की, देसी की अच्छी पकड़े। बिल्कुल बिल्कुल। और सर अगर आवक की बात करें तो आवक कितनी कितनी आ रही है? आवक मान के चले 3-3.5 हज़ार कट्टी आज, फिर 3-3.5 हज़ार कट्टे हैं। और ग्राहकी कैसी है सर? ग्राहकी अच्छी है। कल के बाजार थोड़ी जो बाजार तेज होने के कारण ग्राहक थोड़ा कम पकड़ रहा है। बिल्कुल, ग्राहक को माल तो लेना पड़ेगा, अपन घूम रहे हैं अभी सर, हमारे पास तो माल बिक चुके हैं। बिल्कुल। बड़ी वाली उसमें साइज में ग्राहकी ज्यादा है या छोटे वालों में? अभी 80% बंजारे ग्राहकी अच्छी है, बाकी 20% मोटे मालों में ग्राहकी है। बिल्कुल, बंजारे भाई अच्छे या टाइम पकड़ कर रहे हैं मालों में। बहुत बढ़िया सर। तो सर जैसे ये वाला शुरुआत करते हैं, ये कहाँ का माल है? ये पीपला मंडी का है भाऊ जी। पीपलिया मंडी का है। क्या बिका सर ये? गूंगी बोलते हैं इसको, 210 रुपये बिकी भाऊ जी। ये गूंगी 210 रुपये जी, मीडियम से छोटी आती है, राजस्थान में इसको लाटरी बोलते हैं। अच्छा जी, MP में गूंगी बोलते हैं इसको। 110 110 मैं वही कह रहा हूँ, 210 बोल रहे हैं आप। 110 बिकी है। मैं 110 रुपये बिकी, 110 रुपये बिकी है, सही है। और ये पीछे सर ये थोड़ा सा इनसे बड़ा है? नहीं कोई बड़ा नहीं है, मतलब अच्छा। जाली का अंतर है। अच्छा, साइज एक ही है, साइज एक ही, रेट भी एक ही बिकी है। 110 रुपये ठीक है। और ये वाला सर? ये 280 रुपये बिका बोलिए। 280 रुपये ऊटी वाला है? ऊटी वाला है ये 280 रुपये। फर्स्ट ऊटी होगी, 300 रुपये बिकी है। अच्छा जी, जो बढ़िया क्वालिटी का है वो 300 रुपये साइज वाली। और ये तो वही है सेम, ये 110 रुपये बिका। 110 रुपये जी। और ये वाले सर? ये वाला ऊटी है जो हल्की ऊटी में है, ये 250 रुपये बिका। उसे जर्मिनेट की शिकायत है सर अभी? इसमें क्या है, क्वालिटी थोड़ी हल्की। अच्छा जी। और ये वाले सर? ये भाई जी 180 से 200 रुपये बिक रहे हैं। बिल्कुल सर। और ये माल कहाँ के है सर? ये है धीरन मंडी के। कौन सी? धीरन मंडी। धीरन ये कहाँ? MP में? जी MP में ये। अच्छा जी, अच्छा। तो ये क्या बिका आज? ये 200 रुपये बिक रहा है। ये 200 रुपये, 180 से 200 रुपये। 180 से 200 रुपये। तो सर बाजार अभी तो ऐसा ही चलने वाला है लगता है इस फरवरी तो लग रहा है। पीछे आवक ठीक है, पर बाजार दबरे नहीं है। अच्छा, बाजार टाइट ही बिक रहे हैं। आवक अच्छी है, पीछे बम्पर आवक है। और सर क्या है कि अभी MP का ही माल आ रहा है पूरे हिंदुस्तान में, तो हिंदुस्तान में पूरे डिमांड इसी की है, पूरे MP दे रहा है पूरे हिंदुस्तान को। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे जैसे लोग जाएगा मार्च में तो थोड़ा बाजार नरम होने की ओर जाएंगे, लोकल जब माल आने लग जाएगा हर जगह का तो फिर थोड़ा सा डाउन देखने को मिलेगा। तो सर नीचे में फिर आगे क्या बाजार देख रहे हैं, कहां तक आपको? तो ज्यादा उम्मीद नहीं लग रही मद्दी की भौजी, मान के चले अपन ने राजस्थान भी चल जाएगा 200 रुपये से 100 रुपये जो अभी की पोजीशन है, उसमें 20-30 रुपये की गिरावट आ सकती है। अच्छा जी, ज्यादा विशेष गिरावट नहीं आएगी क्योंकि MP के माल भी सूखने लग जाएंगे ना ये। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर ये राजस्थान में आना कम हो जाएंगे, ये बाहर जाएंगे फिर साउथ, लंबी लोडिंग में जाएंगे। अभी थोड़े नए माल है, ताजा माल है, गीले है, तो ये लंबी लोडिंग में नहीं जा रहे, अभी आसपास यही घूम रहे अपने। बिल्कुल। और जब जैसे ये सूख जाएगा तो राजस्थान आसपास आएगा, वो गीला आएगा और ये लंबी लोडिंग में चल जाएगा MP, तो बाजार ज्यादा नरम नहीं देखने को मिलेंगे। अब की बार बाजार इतना नरम नहीं होगा सर, 100 से नीचे तो क्या बिकेगा? 100 से 150 रुपये की उम्मीद है। अच्छा जी, अच्छा। और बाकी देखो ईश्वर क्या करता है, बिल्कुल उम्मीद लगा सकते हैं। और मार्केट में अगर लहसुन कम रहेगा तो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बाकी कुछ भी हो सकता है। इस साल 2024-25 में अच्छा रहेगा सर, 2024-25 में अच्छा ही रहेगा मार्केट। 2024 में और 25 में जैसे कि आखिरी में मानते हैं चले अपन, तो बाजार तो ये रिकॉर्ड तोड़ेगा इसका भी। अच्छा जी, हाँ 2023 का रिकॉर्ड तोड़ेगा। रिकॉर्ड तोड़ेगा, बहुत बढ़िया सर, रिकॉर्ड तोड़ेगा। तो किसान भाई इतने जल्दी भी ना करे कि अपना कच्चा माल लेके आए? नहीं कोई दिक्कत नहीं, अभी हाँ। अच्छे भाव बने हुए हैं, अभी भी लाते रहे माल तो बेचते रहे, पक्का हुआ माल बेचते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। कच्चे पक्के की निवेदन ये, कच्चे पक्के माल नहीं लाए मार्केट में। बिल्कुल, उनसे किसान भाइयों को नुकसान है, हमारा कोई नुकसान नहीं है। बिल्कुल, हम तो एक राय देते हैं, मंडी की जो रिपोर्ट होती है वो
तो कच्चे पक्के माल नहीं लाए, भाव अच्छे हैं, बेचते रहें, कि दो महीने बाद में, महीने भर बाद में सूखे माल आ जाएंगे तो अपन आधी रेट में पकड़ सकते हैं। अभी भाव बहुत अच्छे बने हुए हैं। बहुत बढ़िया सर। तो सर अपना कॉन्टेक्ट नंबर बताएं सर। अपना कॉन्टेक्ट नंबर है 9982330400। जिस किसान भाई को, व्यापारी भाई को हमारी फर्म पे माल लाना है वो संपर्क कर सकते हैं। सारा माल पूछ के बेचा जाता है और भाव से बेचते हैं। बिल्कुल। और सुबह सुबह 2 घंटे में हमारा माल सेल हो जाता है सब। बिल्कुल सर। अभी भी हमारे पास 90% माल बिक चुके हैं, सिर्फ 1 लाट बचा है मेरे पास। चलो जी, धन्यवाद सर। 9 बजे क्लियर हो गया था पूरा माल। बिल्कुल सर, बिल्कुल। चलो जी सर, धन्यवाद सर।